हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिटनेस शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि मैंने जब ये वीडियो बनाया था, शायद 2 या 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि इस शेयर पे नज़र रखना। इसके जो बिज़नेस है, बाहर तक बिज़नेस है, FMCG का काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते और आज लगभग 100 रुपये से भी ज़्यादा ये शेयर इतना तेज़ भागा है कि पूछो मत, काफ़ी तेज़ भागा है। और मैंने जब वीडियो बनाई थी काफ़ी नीचे था ये शेयर और बताया था कि इस शेयर पे आप नज़र बना के रखना। ओके, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, लगभग वर्चुअली डेट फ्री है, थोड़ा बहुत कर्ज है, ज़्यादा कर्ज नहीं है और काफ़ी बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है। तो इसलिए मैंने ये शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि काफ़ी बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न्स इस कंपनी ने पहले भी दिए थे और आगे भी दे सकती है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा ये चीज़, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल बॉस ऑफ फिटनेस शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट, तो आप यहाँ पर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप यहाँ पर करा सकते हैं। फ्री में ये डीमेट अकाउंट लिंक आपको ओपन हो जाएगा। एज वेल एज कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है। ओके, डिलीवरीज और इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं तो कोई भी चार्जेस आपके लगे नहीं। काफ़ी बेहतरीन इसका एप्लीकेशन भी है जो आप मोबाइल पे यूज़ भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो कंपनी है वन डे, मतलब आज के दिन लगभग 18% भागी है, 1 वीक 34%, 1 मंथ 49, 3 मंथ्स 73.24। लगभग इसी टाइम मैंने आपको बताया था कि शेयर में आप बनने खरीद सकते हैं। 6 मंथ में लगभग 100% से भी ज़्यादा रिटर्न है। ओके, और अगर हम बात करें 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में कंपनी ने लगभग 908% के मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर कंपनी ने आपको कमा के दिए। हर पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कंपनी की तरफ आप अब भी नज़र बना के रख सकते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है, तो सब चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बट इससे पहले बताना चाहूँगा, देखिए मैंने ये वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि ये जो शेयर है, ओके, आप इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं। ADF फूड्स इस कंपनी का नाम है। 419 पे ये शेयर था और कब बनाया था मैंने ये वीडियो, लगभग 16 सितंबर को, और 98 लोगों ने ये देखा भी था। तो लगभग कह सकते हैं कि 2-2.5-3 महीने पहले ये वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि शेयर पे नज़र बनाना, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न्स इस कंपनी ने पहले भी दिए है और आगे भी दे सकती है। और उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था 98 पीपल्स ने यहाँ पर देखा था। और देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए साफ लिख रखा है मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में कि बिजनेस है विदेश तक, ये भागा तो पकड़ना मुश्किल। तो जैसे मैंने बताया था ना, और म्यूचुअल फंड ने चुपके से खरीदे करोड़ों के शेयर। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये शेयर में बहुत बेहतरीन शेयर है। देखिए आज देख लेते हैं 607 रुपये, ओके, लगभग 80 रुपये ये भागा है। और भी तेज और भी भागा था, ओके, बट वहाँ से थोड़ी सी गिरावट हो गई है, वरना 100 रुपये प्लस ये चल रहा था। वन डे का चार्ट पैटर्न देख लिए, लगभग 80, ओके। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखें 15-16% की यहाँ जंप दिखाई देगी है। 5 डेज पॉजिटिव, 1 मंथ पॉजिटिव, 6 मंथ पॉजिटिव, ईयर टिल डेट देखिए 300 रुपये पे चल रहा था, 149 पे आया और कहाँ भाग गया, 607 रुपये पे शेयर आज ट्रेड कर रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं 5 रुपये का शेयर आपका कितना का हो गया, 607 रुपये का। तो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी बेहतरीन शेयर है जो कि आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। चार्ट पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बेहतरीन है। तो इसकी तरफ आज भी नज़र बना के रख सकते हैं। और कितने पे बताया था, 419 पे। तो काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर रिटर्न्स 3 महीने में लगभग 70% के रिटर्न्स यहाँ पर दिए गए। अब एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके कुछ चेक कर लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट एंड ऑल, मार्केट कैपिटल। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा कि अगर भागता है तो तेज भागता है और रुकता है तो काफ़ी ये शेयर गिरता भी इसी तेजी तरीके से है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी जब मैंने वीडियो बनाया था बताया था कि इस पर आप इस चीज़ को, इस डिस्क्लेमर को हमेशा याद रखना। स्मॉल कैप कंपनी में ROC ही काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 28% का, जो कि बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज़ में नहीं होता, वो इस कंपनी में है। तो काफ़ी बेहतरीन इसका ROC ही है। कंपनी लेके लगभग डेट फ्री है और अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, 5 साल में लगभग 42% के CAGR के से ये रिटर्न देती आ रही है। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हर चीज़ नज़र आ रही है। सेल्स की बात कर लेते हैं, देखिए क्वार्टरली सेल्स काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर कंपनी की। 53 करोड़ से लेकर अभी लगभग 94 करोड़ रुपीस का यहाँ पर क्वार्टर में यहाँ पर सेल्स करी है। एक्सपेंस की बात करें 78 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। सेल्स देखिए अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो कंपनी कहाँ 91 करोड़ रुपीस पे थी, कहाँ पर अभी 1318 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ पर सेल्स मारी है। एज वेल एज अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो अभी इस साल में लगभग 46 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है और 22 का यहाँ पर EPS नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट की बात कर लें तो जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है। 207 रुपए पे ये मतलब 207 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व्स है और जैसे कि डेट फ्री थी 2019 क्वार्टर में, बट अभी थोड़ा सा कर्जा हो गया है 13 करोड़ रुपए का जो कि घटते मीनार में हमें नज़र आ रहा है। बोरिंग नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ओके 104 करोड़ रुपए का एसेट अभी 282 करोड़ रुपए का एसेट, तो काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर हर चीज़। और एज वेल एज अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग बताऊँ तो प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी शायद इस क्वार्टर में कम कर दी है, तो लगभग 33% की हिस्सेदारी है अभी। FIS ने देखिए 0.02% की हिस्सेदारी है। DIS की बात करें तो 3.02। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 63.92% की हिस्सेदारी केवल पब्लिक है, जिसमें बड़े बड़े लोग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इन लोगों की हिस्सेदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कंपनी हर चीज़ में बेटर है। और ज़्यादा वीडियो को जानने के लिए कि कंपनी करती क्या है, क्या क्या बिजनेस है, थोड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी जो बिज़नेस करती है वो सेलिंग ऑफ फूड्स और एक्सपोर्ट करती है मोस्टली, और क्या क्या पिकल्स मतलब अचार, चटनी, रेडी टू ईट आइटम्स, पेस्ट ऑफ सॉसेज, फ्रोजन फूड, स्पाइसेस, तो ये सारी की सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया में भी इनका काम चलता है। और इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एज वेल एज इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ लीजिएगा। ओके एंड ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और इस हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।